हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉरोड नंदीस ऑल इन वन। गाइस, आज हम बात करने वाले अपकमिंग आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। आज हम इस कंपनी का पूरा रिव्यू, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, प्रमोटर और जीएमपी की बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2017 में। फिनो पेमेंट्स एक बढ़ती हुई फिटनेस कंपनी है जो भारत में डिजिटल वित्तीय उत्पादकों और सेवाओं के विस्तृत पोर्टफोलियो की पेशकश करती है। कंपनी का एक अखिल भारतीय वितरण नेटवर्क है और इसके प्रमुख उत्पादकों और सेवाओं में शामिल है चालू खाते और बचत खाते, CASA, डेबिट कार्ड जारी करने के और संबंधित लेन देन, घरेलू प्रेषण की सुविधा, ओपन बैंकिंग क्षमता, उनके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से नगद निकालने और जमा करना, माइक्रोसिस ATM का आधार समक्ष भुगतान प्रणाली EPS और नगद प्रबंधन सेवाएं CMS के माध्यम से। कंपनी के व्यापारी उन्हें अपने अन्य वित्तीय उत्पादकों और सेवाओं जैसे कि थर्ड पार्टी गोल्ड लोन को क्रॉसिंग सेलिंग में सुविधा प्रदान करते हैं। बीमा, बिल भुगतान और रिचार्ज फिनो पेमेंट्स अन्य बैंकों की ओर से एक बड़े बिजी नेटवर्क का प्रबंध भी करता है। राजस्व सुजान के लिए कंपनी अपने मर्चेंट नेटवर्क और रणनीतिक वाणिज्य संबंधों से शुल्क और कमीशन पर निर्भर करती है। कंपनी भारत की एक सबसे ऐसी आबादी को लेखित करना चाहती है जिसके पास वित्तीय साक्षरता और प्रौद्योगिकी का उपयोग कम है और आमतौर पर बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक उसकी पहुंच नहीं है। 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में डिजिटल लेन देन की सुविधा के लिए बैंकों में फिनो भुगतान को तीसरा स्थान दिया। क्रिसिल के अनुसार कंपनी के पास माइक्रो ATM का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है और वित्तीय वर्ष 2021 में तीसरा सबसे बड़ा जमा वृद्धि दर है। कंपनी की प्रमोटर की बात करें तो फिनोपेटेक लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर है। फिनो पेमेंट्स बैंक के फाइनेंशियल आंकड़ों की बात करें तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े मिलियन में दिए हुए हैं। साल 31 मार्च 2019 में कंपनी ने 623.84 मिलियन का नुकसान किया था। साल 31 मार्च 2020 में कंपनी ने घटकर 320.36 मिलियन का नुकसान किया था और साल 30 मार्च 2021 में घाटे से 204.74 मिलियन के प्रॉफिट करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का इश्यू लाने का उद्देश्य भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाना, प्रस्ताव के संबंध में खर्चों को पूरा करने के लिए करेगी। आगे जैसे ही कंपनी की ऑफिशियली डिटेल और जीएमपी अपडेट होगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।